हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मानसून का सीजन चल रहा है तो क्यों ना इस मौसम का फायदा उठाकर आप अपने घर में फ्री में बहुत सारे परमानेंट फ्लावर्स को घर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आपको नर्सरी जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस चंपा के कटिंग हमने लगाया था जिसमें 10 दिन के अंतराल के बाद कितने सुंदर रूप डेवलप कर गए हैं और प्लांट्स आपका हेल्दी से ग्रो कर रहा है और लीव्स भी पूरी निकल रही है। इस चंपा के कटिंग को हमने लगाया था 10 दिन पहले। अब ये प्लांट्स मेरा अच्छे से लग गया है और पूरे इसके लीव्स हरी चमकदार छोटे छोटे लीव्स निकल गए हैं। तो दोस्तों, बरसात के मौसम में आप कोई भी प्लांट्स का कटिंग लगाइए, बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो आपको नर्सरी से महंगे प्लांट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर में आप फ्री 10 प्लस फ्लावर्स के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि कटिंग को कैसे लगाना है, किस मिट्टी में लगाना है, कटिंग मेरा खराब नहीं हो और आसानी से कटिंग ग्रो करे। तो कितने सुंदर मोगरा के कटिंग हमने लगाया था जो कि इस समय इसमें लीव्स आ रहे हैं और ये प्लांट्स पूरा आपका 15 से 20 दिन में तैयार हो गया है मोगरा का। तो हमने इसी तरह से और सारे प्लांट्स का कटिंग लगाया है जो आप लोगों को मैं शेयर करके बता रहा हूँ कि आप इस तरह से कटिंग लगाइए तो 15 से 20 दिन में देखिए कितने सुंदर इसमें छोटे छोटे लीव्स निकल आए हैं और प्लांट्स आपका जनरेट हो जाएगा इस मानसून के सीजन में। मैं कटिंग से आपको प्लांट्स लगाने का दो ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से घर में बहुत सारे प्लांट्स जनरेट कर सकते हैं और 100% लगेंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस प्लांट्स के बारे में आसानी से जान पाएं। मानसून का सीजन पौधे लगाने के लिए बहुत ही आसान होता है क्योंकि इस समय आपका एटमॉस्फेयर इतना अनुकूल रहता है कि मिट्टी में नमी बरकरार रहती है और कटिंग सूखते नहीं है और सारे प्लांट्स आसानी से लग जाते हैं और इसमें रूट आपके 8 से 10 दिन में जनरेट हो जाता है। पौधे को किस मिट्टी में लगाना है, कैसे लगाना है, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, आप कटिंग को नॉर्मल गार्डन सेंट में भी लगाइए और रिवर्स सेंट में या मिक्स करके आप रिवर्स सेंट एवं बालू को मिक्स कर दीजिए जिससे अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार होगी और ये सारे रूट डेवलप करने में बहुत जल्दी काम करते हैं क्योंकि बालू आपका रूट में मदद करता है। तो आप इसको मिक्स करके गमले की मिट्टी तैयार कर लीजिए और इसमें कटिंग लगाइए, आसानी से लगेंगे। दोस्तों, आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लेना है या देखिए रिवर्स सेंट हमने लिया है, इसे पेप्सी वाला बोतल को कटिंग करके हमने लगा दिया है और मिट्टी फिलिंग करके आप उसमें पानी डाल के गीला कर दीजिए क्योंकि गीला मिट्टी में अगर कटिंग आप लगाएंगे तो आसानी से लगेगा। तो कटिंग लगाने के पहले ही आपको पानी डालना है, कटिंग लगाने के बाद नहीं डालना है क्योंकि अगर आप नॉर्मल हल्दी पाउडर लेते हैं या रूट पाउडर लेते हैं तो अगर आप उसको लगाइएगा तो यार धुल जाएंगे। तो आपको पहले पानी डालकर मिट्टी पूरा गीला कर लीजिए, उसके बाद प्लांट्स को लगाइए। दोस्तों, आपको इसी तरह से मिट्टी में पानी पूरा फिलिंग करके गीला कर देना है। उसके बाद हमने बोगनवेलिया का कटिंग लिया, उसको 45 डिग्री के एंगल में आपको इस भाग को काटना है। देखिए, यह हल्दी पाउडर है जिसमें एंटी फंगल का गुण पाया जाता है या रूट हार्मोन का भी काम करता है। तो हमने लगा दिया है इस भाग में और ये रिवर सेंट है दोस्तों, इसमें हमने लगाया इसलिए कि बालू में बहुत जल्दी जड़ आ, जितने भी कटिंग भाग है दोस्तों आपको नीचे हल्दी पाउडर का यूज कर लेना है, एंटी फंगल का काम करता है और इसे आप लगाइए। और दूसरा आपको देखिए तरीका मैं बता रहा हूँ, एलोवेरा ले लीजिए दोस्तों, उसको छोटे से कटिंग कर लीजिए और उसके जो जेल है उसमें एक लिक्विड पाया जाता है जो कि रूट हार्मोन का काम करता है और यह आपके बहुत जल्दी रूट डेवलप करने में भी मदद करता है। तो हमने इसको नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया है दोस्तों और इसे आपके जितने भी कटिंग है सबको एलोवेरा जेल लगा दिया है और लगा रहा है। उसके बाद दोस्तों आप कनेर ले लीजिए, इसको भी आप 3 से 4 इंची का कटिंग ले लीजिए और उसके एज को 45 डिग्री के एंगल में कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद दोस्तों आप माउथ स्टिक ले लीजिए और मिट्टी जो गीली रहे उसमें आप छेदा आपको इसी तरह से कर देना है और फिर आपको हल्दी पाउडर का यूज करना है और प्लांट्स को जो होल है उसमें आपको लगा देना है। यह हल्दी पाउडर एंटी फंगल का काम करता है और यह सदियों से इस
तरह से पौधे लगाने का प्रचलन है दोस्तों। उसके बाद दूसरा आपको देखिए एलोवेरा ले लेना है और छोटे से कटिंग करके इसके एलोवेरा जेल लगा के आप नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है उसमें आप प्लांट्स को लगाइए, आसानी से लगेंगे और बहुत जल्दी इसमें। उसके बाद अगला पौधा देखिए दोस्तों, यह मधुमालती का, इसके भी हमने कटिंग 3 से 4 इंची ले लिया है और कटिंग करके आपको नीचे के जो पत्ती थे सबको आपको रिमूव कर देना है और फिर वही नॉर्मल गार्डन सॉइल है दोस्तों उसमें छेदा करके देखिए एलोवेरा के जो जेल है उसमें लगाकर आप पौधे को लगा दीजिए। लगाने के बाद आप इन सारे पौधे को शडी एरिया में रख दीजिए, आपके 7 से 8 दिन में इसमें रूट डेवलप हो जाएंगे और सभी पौधे आसानी से ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद हिबिकस के पौधे का कटिंग हमने लिया है, इसका भी 3 से 4 इंची कटिंग कर लेना और ऊपरी एज भाग 45 डिग्री के एंगल में आप कटिंग कर देना है और फिर हल्दी पाउडर ले लेना है दोस्तों, ये एंटी फंगल काम करता है। आप इसके नीचे एज भाग में लगाकर आप नॉर्मल गार्डन सॉइल है उसमें आप लगाइए। और दूसरा देखिए हमने एलोवेरा लिया है जेल, जो कि रूट डेवलप करने में अच्छी से मदद करता है और यह भी एंटी फंगल का काम करता है। तो इसको आप इसी तरह से लगाकर ऊपरी एज भाग में भी आप हल्दी का पाउडर का लगा दीजिए, जिससे ऊपर से भी यह एंटी फंगल काम करेगा, सूखेगा। उसके बाद दोस्तों आप मैरीगोल्ड के पौधे को कटिंग से इस बरसात के सीजन में बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। हमने जो 3 से 4 इंची का कटिंग लिया था दोस्तों, देखिए यह नॉर्मल रिवर सेंट है, इसका पानी डाल देना है पहले, उसके बाद होल करके आप इस पौधे को लगा दीजिए। 1 सप्ताह के बाद इसमें रूट डेवलप हो जाएगा। और दूसरा तरीका है दोस्तों, आप एलोवेरा का टुकड़े ले लीजिए और उसके निचले एज भाग में लगाकर आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाकर शेडी एरिया में रख दीजिए, जिससे 6 से 7 दिन में आपके प्लांट्स रूट डेवलप हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप चांदनी के पौधे को भी लगाइए, कटिंग से आसानी से लग जाएंगे। तो इसके भी कटिंग के आप ऊपरी भाग को 45 डिग्री एंगल में काट दीजिए और 3 से 4 फीट का आपको लेंथ रखना है और कटिंग में आप हल्दी पाउडर का यूज करिए और इसे आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा दीजिए, जो कि अच्छे से लगेगा क्योंकि बरसात के सीजन में कोई भी प्लांट्स का कटिंग लगाना बेहद ही आसान होता है। तो आप जो भी कैरी बैग में मिट्टी भर के रखे थे दोस्तों, उसको आप स्टिक के सहायता से होल बनाकर आप जो कटिंग एज में हल्दी पाउडर लगाए थे उसको आप प्लांट्स को इस तरह से लगा दीजिए। ये भी आपके 8 से 10 दिन में इसमें रूट डेवलप कर जाएंगे और आसानी से बहुत सारे प्लांट्स घर में तैयार हो जाएंगे। उसके बाद डबल चांदनी के पौधे को भी हमने इसी तरह से कटिंग किया है दोस्तों, और 45 डिग्री के एंगल में इसके भी ऊपरी भाग को कटिंग कर देना है और हल्दी पाउडर का उपयोग करना है या एलोवेरा जेल का। तो इस समय एलोवेरा लिया है दोस्तों, उसको आप होल बनाकर नॉर्मल गार्डन सॉइल में आप लगा के शेडी एरिया में रख दीजिए और इसमें पानी आपको नहीं देना है क्योंकि हमने इसमें पहले से ही छिड़काव कर दिया था। एलोवेरा जेल क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी रूट डेवलप करने का क्षमता होता है, इसलिए आप एलोवेरा के जेल को लगाइए और आसानी से इसमें प्लांट्स का ये जो है रूट डेवलप कर देता है। तो आपको कोई भी लीव्स लेना है दोस्तों तो उसका हेल्दी पार्ट्स को लेना है और इसे आप लगाकर आसानी से शेडी एरिया में रख दीजिए, आपको प्रॉपर सनलाइट्स में नहीं रखना है। उसके बाद हार सिंगार के पौधे का हमने कटिंग लिया है, इसके भी 3 से 4 इंची का कटिंग कर लेना है दोस्तों। 3 से 4 इंची का कटिंग इसलिए होता है कि आपके 2 इंची तो आपको मिट्टी में चल जाता है, जिससे ऊपर भाग में 1 इंची रहता है। अगर जितने भाग डेप्थ में रहेगा तो प्लांट्स उतने जल्दी रूट डेवलप करेगा, इसलिए कटिंग आपको 3 से 4 इंची का ही लेना है। तो कटिंग करके दोस्तों इसे नॉर्मल गार्डन सॉइल में हमने लगाया है इस हार सिंगार के पौधे को, इसमें भी आपके 8 से 10 दिन में रूट डेवलप कर जाएंगे और मिट्टी अगर सूख जाती है तब इसमें आपको पानी का छिड़काव कर देना है। उसके बाद अजवाइन के पौधे को हमने लगाया है, जो कि नॉर्मल गार्डन सॉइल है दोस्तों और इससे भी आसानी से रूट डेवलप हो जाता है। तो इन सारे महंगे पौधे को आपको नर्सरी से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इस बरसात के सीजन में लगाइए, आसानी से लग जाएंगे। उसके बाद आप एंटी फंगल का हल्दी काम करता है, तो जो भी आप प्लांट्स को लगाए हैं उसके ऊपरी भाग में भी आप इसको लगा दीजिए। इसको लगाने से ये होगा कि आपके जो कटिंग है ख़राब नहीं होंगे, ना फंगस लगेंगे, ना जल्दी सूखेंगे और आसानी से इसमें रूट डेवलप हो जाएगा। तो जितने भी हमने कटिंग लगाया है दोस्तों, सबके ऊपरी एज भाग में हल्दी पाउडर का आपको उंगली से इसी तरह से थोड़ा थोड़ा लगा देना है, जिससे आपके प्लांट्स हरे भरे रहेंगे
और आसानी से इसमें फ्रूट डेवलप हो जाएगा। दोस्तों आप इसी तरह से कटिंग से बहुत सारे प्लांट्स घर में ग्रो कर सकते हैं फ्री में, आपको नर्सरी से इस सारे महंगे प्लांट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बताए हुए तरीके से आप कटिंग को लगाइए, 100% लगेंगे, ना सूखेंगे ना गलेंगे और सभी में रूट जनरेट हो जाएंगे 8 से 10 दिन में। मैंने आपको दो तरीके से कटिंग लगाने के बारे में बताया है, तो आप इसी तरह से कटिंग को लगाइए और शेडी एरिया में रख दीजिए, 6 से 7 दिन में आपके रूट जनरेट हो जाए। पानी का हल्का हल्का स्प्रे आपको 2 दिन के अंतराल में करते रहना है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और रूट जनरेट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मेरे बताए हुए तरीके से आप कटिंग को लगाइए, आप फ्री में घर में ढेर सारे परमानेंट फ्लावर्स प्लांट्स इस मानसून के सीजन में तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। तब तक आप इसी तरह से अपने प्लांट्स का केयर करिए और कटिंग से ढेर सारे प्लांट्स घर में फ्री में तैयार करिए। बाय बाय, टाटा।